हे गाइस, नवाज़ अली फ्रॉम द nerdhound.com और ये है ओज़ार्क सीजन 1 का रिकैप। इट्स नॉट अ रिव्यू, सो स्पॉइलर्स अलर्ट। ओज़ार्क बिल ड्यूबिक का बनाया हुआ क्राइम ड्रामा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो है। ये वही है जिन्होंने द अकाउंटेंट मूवी की भी स्क्रिप्ट लिखी थी। लगता है भाई साहब को फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। ओज़ार्क का मेन प्लॉट पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब सिंपल भाषा में काला पैसा सफेद करना। ये कहानी है मार्टी बर्ड नामी एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, जो अपने दोस्त ब्रूस के साथ मिलकर एक प्राइवेट फर्म चला रहा होता है। एक दिन ऑफिस में बैठे काम करते वक्त मार्टी को उसके प्राइवेट डिटेक्टिव से एक मेल आता है, जिसके अटैचमेंट में एक सेक्स टेप लगी होती है। मार्टी देखकर समझ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। उसकी बीवी वेंडी का गैरी सिल्वरबैग नामी एक बंदे के साथ अफेयर चल रहा है। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, उसका स्क्रीनशॉट नहीं मिलने वाला इधर। ब्रूस फिर इसे एक एडवाइस देता है कि हम दोनों को ओज़ार्क जाकर वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जबरदस्त रिटर्न मिलेगा वहां पर। मार्टी इसकी बात को इग्नोर करते हुए वो ओज़ार्क का फ्लायर लेकर अपने जेब में डाल देता है, इसको याद रखना। फिर हमें पता चलता है कि मार्टी और ब्रूस एक ट्रकिंग कंपनी के साथ मिलकर डेल नामी ड्रग लॉर्ड के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं। डेल को शक होता है कि ब्रूस और वो ट्रकिंग कंपनी के ओनर्स ने चोरी छुपे इसका पैसा चुराया है। डेल फिर इनकी खबर लेने पहुंच जाता है, जहां ब्रूस मार्टी को भी कॉल करके बुलवा लेता है। डेल के थोड़ा डराने धमकाने के बाद ब्रूस कबूल करता है कि यस, उसने और वो ट्रकिंग कंपनी के ओनर्स ने चोरी छुपे डेल के अभी तक $8 मिलियन चुराए हैं। बट इस झोल झपाटे के बारे में मार्टी को कोई आइडिया नहीं होता। डेल फिर गुस्से में आकर वहां मौजूद सारे लोगों को मारकर मार्टी के ऊपर बंदूक तान देता है। मार्टी फिर अपने जेब में मौजूद उस ओज़ार्क वाले फ्लायर की मदद से डेल को समझाता है कि अगर उसने मार्टी को जिंदा छोड़ा तो वो ब्रूस का लूटा सारा पैसा वापस कर देगा, और उसके बाद ओज़ार्क जाकर 5 साल में डेल का $500 मिलियन तक का पैसा सफेद कर देगा। मार्टी का ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी जान बचा लेता है और इन दोनों के बीच डील हो जाती है। मार्टी जाकर ये सारी खबर अपनी बीवी को बता देता है और अपने बच्चों को ओज़ार्क शिफ्ट होने के लिए रेडी करता है। मार्टी अपनी प्राइवेट फर्म को बंद करके और अपनी सारी सेविंग्स को निकालकर डेल को देने लायक $8 मिलियन जमा करने निकल पड़ता है। वेंडी को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड गैरी के कहने पर अपनी सारी सेविंग्स निकालकर बच्चों के साथ वहां से भागने का प्लान बनाती है। बट इससे पहले कि वेंडी कोई बड़ा कदम उठाए, डेल जाकर उसके बॉयफ्रेंड गैरी को मार देता है और वेंडी को अपने हस्बैंड मार्टी के साथ रहने का ऑर्डर देता है। मार्टी फिर अपना जमा किया पैसा लेकर डेल के पास जाता है, जिसके बाद डेल वही पैसा मार्टी को लौटाकर बोलता है कि ये ले और ओज़ार्क जाकर इस पैसे को सफेद बनवा के ला। बेसिकली ये मार्टी के लिए एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई मार्टी अपने वादे का पक्का है। फिर मार्टी अपने फैमिली और डेल का दिया पैसा लेकर ओज़ार्क की तरफ निकलता है। ओज़ार्क पहुंचकर ये सारे एक मोटेल में ठहरते हैं, जहां इनकी मुलाकात वहां काम करने वाले लैंगमोर फैमिली से होती है। मार्टी और उसकी फैमिली के बीच कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम चले हैं, क्योंकि इसने अभी तक अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये लोग ओज़ार्क क्यों शिफ्ट हुए हैं। मार्टी फिर उन $8 मिलियन को अपने रूम के बेड के नीचे छुपाकर अपने बच्चों को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रूम को छोड़कर कहीं मत जाना और ना ही किसी हाउसकीपिंग वाले को अंदर आने देना। इसके बाद मार्टी बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस ढूंढने चला जाता है, तो वेंडी अपने फैमिली के लिए नया घर देखने निकल पड़ती है। रास्ते में इन दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा होता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से उन दोनों के बीच का रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल होगा। उधर मोटेल में लैंगमोर फैमिली के झांसे में आकर मार्टी के दोनों बच्चे शार्लेट और जोना अपने रूम को छोड़कर बाहर घूमने जाते हैं। उसी दौरान लैंगमोर परिवार की एक मेंबर रूथ लैंगमोर इनके रूम में घुसकर उन 8 मिलियन में से 3 मिलियन चुराकर भाग जाती है। मार्टी ये देखकर अपने दोनों बच्चों पर बरस पड़ता है और अपनी जान पर खेलकर लैंगमोर फैमिली से किसी तरह वो पैसा वापिस ले आता है। बट लैंगमोर फैमिली अब ये जान गई है कि मार्टी किसी ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। फिर FBI को ब्रूस और बाकी लोगों के रिमेन्स मिलते हैं, जिसे डेल के आदमियों ने ठिकाने लगाया था। FBI इस हादसे को सीधा मार्टी के अचानक शहर छोड़कर ओज़ार्क जाने से कनेक्ट करती है, और FBI का एजेंट रॉय पेटी मार्टी पर नजर रखने ओज़ार्क पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मार्टी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के काम को शुरू करने फाइनली एक बिजनेस ढूंढ लेता है, ब्लू कैट नामी एक लोकल लॉज एंड रेस्टोरेंट। और वेंडी अपने फैमिली के लिए सस्ते में एक अच्छा सा बंगलो ढूंढ लेती है। इन्हें यह नया घर सस्ते में तो मिल जाता है, बट बदले में इन्हें इसके ओनर को अपने बेसमेंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका ओनर यानी बडी अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसे अपने आखिरी दिन इसी घर में बिताने हैं। वेंडी फिर अपने बच्चों को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाती है और उनके सवालों से तंग आकर उन्हें अपने पापा की असली करतूतें बता देती है कि देखो, तुम्हारे पापा एक ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और इसीलिए हम शिकागो से भागकर इधर ओज़ार्क आए हैं। मार्टी अपने नए बिजनेस यानी द ब्लू कैट इनको रीस्ट्रक्चर करने लगता है,
दूसरी तरफ वेंडी को भी उनका रियल स्टेट ब्रोकर अपने अंडर काम पर रख लेता है। फिर रूथ लैंगमोर जाकर मार्टी से उसके रेस्टोरेंट में डिशवॉशर बनने का जॉब मांगती है। रूथ का असली प्लान है मार्टी के साथ काम करके उसके मनी लॉन्ड्रिंग वाले बिजनेस को समझना और फिर इसे मारकर उसका सारा पैसा हड़प लेना। इसी दौरान एक FBI एजेंट ट्रेवर इवांस मार्टी और वेंडी से मिलकर उनसे ब्रूस के बारे में पूछताछ करता है और यहां हमें पता चलता है कि ब्रूस मनी लॉन्डर के साथ साथ FBI का सीक्रेट इन्फॉर्मेंट भी था। मार्टी फिर भोला बनने का नाटक करता है और ट्रेवर को वहां से भगा देता है। ये जो ट्रेवर है वो रॉय का एक्स बॉयफ्रेंड था। ट्रेवर तो चला जाता है बट रॉय मार्टी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। रॉय फिर अंडरकवर जाकर मार्टी पर नजर रखने लगता है। इसी दौरान रॉय लैंगमोर फैमिली पर रिसर्च करके रूस लैंगमोर को अपने जाल में फंसाने की प्लानिंग करता है। मार्टी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को एक्सपांड करने लोकल स्ट्रिप क्लब को खरीदने का प्लान बनाता है बट उसका ओनर बॉबी डीन किसी भी कीमत पर अपने क्लब को बेचने के लिए तैयार नहीं। मार्टी फिर रूथ के साथ मिलकर बॉबी को फंसाने का प्लान बनाता है। रूथ अपने प्लान के मुताबिक कुछ अंडर एज लड़कों को बॉबी के स्ट्रिप क्लब भिजवाकर उसे अरेस्ट करवा देती है। मार्टी फिर बॉबी की तिजोरी से क्लब के कागजात चुराकर उससे मिलने जेल चला जाता है तो मार्टी बॉबी की बेल करवा देगा बट बदले में बॉबी को उसका क्लब लीगली मार्टी को बेचना पड़ेगा। इधर मार्टी ये भी भांप लेता है कि बॉबी ऑलरेडी उस क्लब को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहा था। बॉबी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मार्टी अब उसका सच जान चुका है और क्लब के सारे कागजात भी उसी के पास हैं। फिर इन दोनों के बीच डील हो जाती है और बॉबी जेल से छूट जाता है। बॉबी जेल से छूटने के बाद स्नेल फैमिली से मिलता है। जेकब और डार्लिन स्नेल यहाँ के लोकल ड्रग डीलर्स हैं और बॉबी अपने स्ट्रिप क्लब के जरिए इन्हीं का पैसा सफ़ेद कर रहा था। अपने क्लब को खोने की खबर सुनकर गुस्से में आकर स्नेल्स बॉबी को मार देते हैं। मार्टी घर जाकर अपने न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस यानी उस स्ट्रिप क्लब को चलाने की प्लानिंग शुरू करता है और इसी दौरान अपने बेटे को भी मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस समझाने लगता है। स्नेल्स बॉबी की लाश को मार्टी के डॉकिंग यार्ड पर फेंक देते हैं जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस भी मार्टी के पीछे पड़ जाती है बट फिर मार्टी वहां के शेरिफ को स्ट्रिप क्लब के कागजात दिखाकर बोलता है कि हमारे बीच वाली डील एकदम लीगल थी और मेरे पास बॉबी को मारने की कोई खास वजह नहीं है। पुलिस इनकी बात मानकर बर्ड फैमिली का पीछा छोड़ देती है। इसी दौरान जेकब स्नेल रास्ते में गाड़ी रुकाकर मार्टी से मिलता है और उसे इनडायरेक्टली अपने साथ काम करने का ऑफर देता है बट मार्टी उसके ऑफर को ठुकराकर वहां से चला जाता है। स्नेल्स फिर अपने एक आदमी को मार्टी के पीछे लगा देते हैं। शार्लेट और लैंगमोर फैमिली के बच्चों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है और बडी जोना को जंगल में ले जाकर बंदूक चलाना सिखाता है। मार्टी समझ जाता है कि स्नेल्स फैमिली का यहाँ के लोकल पुलिस पर पूरा कंट्रोल है और उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने कुछ और अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मार्टी फिर जाकर वहां के लोकल पैस्टर मेसन से मिलता है। मेसन के पास कोई फिजिकल चर्च नहीं होता और ये अपने सर्विसेज को एक बोट में बैठकर होस्ट करता है। मार्टी का प्लान है कि वो मेसन के लिए चर्च बनवाएगा और इसके कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करेगा। मार्टी को ये नहीं पता होता कि स्नेल्स मेसन की इस बोट वाली संडे सर्विसेज को अपने ड्रग डीलिंग वाले बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। रूथ धीरे धीरे मार्टी का भरोसा जीतने लगती है जिसके बाद मार्टी रूथ को अपने स्ट्रिप क्लब का मैनेजर बना देता है। रूथ मार्टी के स्ट्रिप क्लब को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करके उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है बट सीक्रेटली अपने पापा के कहने के मुताबिक अब भी इसका प्लान मार्टी का पैसा हड़पना है। इसी के चलते रूथ मार्टी का पीछा करके पैसों की सीक्रेट लोकेशन ढूंढ लेती है। तो दूसरी तरफ रॉय और रस लैंगमोर अपनी रिलेशनशिप शुरू करते हैं। स्नेल्स फिर मार्टी को किडनैप करके उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने मेसन के लिए चर्च बनवा के दिया तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। किसी भी तरह मार्टी को उस चर्च का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा वरना स्नेल्स मेसन की प्रेग्नेंट बीवी को मार देंगे। मार्टी इनकी बात मान लेता है और फिर वो मार्टी को छोड़ देते हैं। डेल फिर मार्टी को एक पार्सल भेजकर उसे तेजी से काम करने के लिए धमकाता है। इसी दौरान वेंडी को मार्टी के लैपटॉप में अपनी सेक्स टेप मिलती है और वो समझ जाती है कि मार्टी उसके अफेयर के बारे में जानता है। रूथ और रस मिलकर मार्टी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इन्हें अब उसके छुपाए पैसे के बारे में पता चल गया है। रस ये बात जाकर इनडायरेक्टली रॉय को बताता है जो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि ऐसा कोई काम ना करे जो रस को सीधा जेल में पहुंचा देगा। ब्लू कैट इनकी ओनर रेचल मार्टी के कारनामों को भांप लेती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर झोल झपाटे वाले बिल्स दिखाकर वहां से भगा देती है। बर्ड फैमिली के अंदर प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं। इन सारे मामलों से तंग आकर शार्लेट घर छोड़कर भागने की कोशिश करती है बट फिर वेंडी और रूथ उसे ढूंढकर वापस ले आते हैं। जोना का मरे हुए जानवरों को लेकर ऑब्सेशन बढ़ने लगता है जिसे देखकर वेंडी काफी परेशान होती है। मेसन चर्च का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करता है। फिर इसकी बीवी की जान बचाने के लिए मार्टी डेल के पैसों में से $7,00,000 निकालकर स्नेल्स को देता है।
मार्टी मेसन को चर्च का कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, बट उसके ना मानने के बाद वो फाइनली इसे स्निल्स फैमिली की सच्चाई बताता है कि अगर मेसन वापस अपने बोट वाले चर्च पर नहीं गया तो स्नेल्स इसकी प्रेग्नेंट बीवी को मार देंगे। मेसन इस बात को क्लैरिफाई करने स्नेल्स से मिलने जाता है, जो इसे मार्टी का प्लान बताते हैं कि मार्टी इसके चर्च के कंस्ट्रक्शन को यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है। यह सुनते ही गुस्से में आकर मेसन उस चर्च के ढांचे को जला देता है। फिर इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि मार्टी और ब्रूस पहली बार डेल से कब और कैसे मिले। इसी फ्लैशबैक में हम वेंडी और रॉय की भी थोड़ी थोड़ी बैक स्टोरीज देखते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वेंडी अपने मिसकैरेज की वजह से डिप्रेशन में थी और रॉय की मम्मी एक ड्रग एडिक्ट है, मतलब सारों के पास्ट डार्क हैं। मार्टी फिर वेंडी के बॉस सैम की मम्मी को फंसाकर उसे अपने फेक इन्वेस्टमेंट फंड में $9,00,000 इन्वेस्ट करने मना लेता है और यहां से वो अपना स्नेल्स को दिया हुआ $7,00,000 का नुकसान रिकवर करता है। और इसी के साथ ही वो अपना डेल को दिया हुआ वादा यानी $8,000,000 की लॉन्ड्रिंग कंप्लीट करता है। इस बात से खुश होकर डेल मार्टी को $50,000,000 और काला पैसा सफेद करवाने भेज देता है। याद है ना, इनके बीच $500,000,000 को लेकर डील हुई थी। ये $8,000,000 तो बस एक ट्रायल बॉल था। फिर सारी बर्ड फैमिली साथ मिलकर नोटों की गड्डियों को अच्छे से रैप करके छुपाने लगती है। फिर अचानक से एक एक्सीडेंट में सैम की मम्मी की डेथ हो जाती है और वो मार्टी के पास अपनी माँ का जमा किया इन्वेस्टमेंट फंड्स मांगने चला आता है। पैसा वापस देने की बजाय मार्टी इससे वादा करता है कि वो खुद फ्यूनरल का सारा खर्चा उठाएगा और वेंडी को सैम के साथ फ्यूनरल हाउस भेज देता है। फ्यूनरल को लेकर सैम के डिमांड सुनने के बाद वेंडी सीधा उस फ्यूनरल हाउस को ही खरीद लेती है, क्योंकि ऑनेस्टली ये उसे ज्यादा सस्ता पड़ा। उधर जोना अपने अलग ही दुनिया में होता है और अपने फैमिली की रक्षा करने एक दोस्त की मदद से ऑटोमेटिक राइफल खरीदता है। बडी जोना को ये राइफल जंगल में छुपाते देखकर उसके जाने के बाद राइफल को अनलोड करता है। रॉय फाइनली रस को अपनी सच्चाई बताता है कि उनका रिलेशनशिप बस उसके प्लान का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो रॉय रस की मदद से रूथ को पकड़ना चाहता है ताकि वो फिर रूथ को अपना इन्फॉर्मेंट बनाकर मार्टी को पकड़ सके। रूथ को फंसाने की नाकाम कोशिश के बाद रस खुद मार्टी को मारकर उसका पैसा लेकर भागने का प्लान बनाता है, बट जैसे ही ये खबर रूथ को पता चलती है वो FBI को अपने से दूर रखने के लिए मार्टी के डॉकिंग स्टेशन पर एक इलेक्ट्रिक जाल बिछाकर रस और उसके भाई बॉयड को मार देती है। और इसी के साथ रॉय का सारा प्लान चौपट हो जाता है। मार्टी फिर जाकर रूथ को दिलासा देता है कि आगे से वो ऐसी पागलपंती वाली हरकत ना करे। मार्टी और वेंडी लैंगमोर फैमिली से मिलकर उन्हें सपोर्ट देते हैं, बट रस का बेटा वायट अपने पापा की मौत के लिए मार्टी को दोषी मानता है। दूसरी तरफ मेसन उस चर्च को जलाने के बाद वापस बोट वाले चर्च पर जाकर अपनी संडे सर्विसेज कंटिन्यू करता है। फिर इसका ध्यान जाता है कि वहां बैठे मैक्सिमम लोग चर्सी हैं, जो यहां इसका बयान सुनने नहीं बल्कि ड्रग्स लेने आए हैं। ये देखकर मेसन अपने सर्विसेज वहीं बंद करके जेकब से मिलता है और उसे बोलता है कि सॉरी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। ये लोग मेसन को तो जाने देते हैं, बट अपने वादे के मुताबिक उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मारकर उसका बच्चा इसके घर छोड़ाते हैं। मेसन जब घर जाता है तो उसे बस उसका बच्चा ही मिलता है और बीवी का कोई अता पता नहीं होता। उधर वेंडी अपने बच्चों के साथ मिलकर ओजार को छोड़कर भागने का प्लान बनाती है, बट फिर वहां पर डेल का भेजा हुआ आदमी गार्सिया आकर उन्हें रोक लेता है। जोना अपनी राइफल से गार्सिया को शूट करने की नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि उस बंदूक की गोलियां बडी ने निकाल दी थी। बट इससे पहले कि गार्सिया कुछ करे, बडी अपनी शॉटगन लेकर उसे मार देता है और बर्ड्स फैमिली की वहां से भागने में मदद करता है। फिर बडी और मार्टी साथ मिलकर गार्सिया की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। गार्सिया के गायब होते ही डेल उसे ढूंढते ओजार्क पहुंचकर मार्टी के बारे में पूछताछ करता है। इसी दौरान रेचल को मार्टी का छुपाया हुआ पैसा मिलता है। रेचल फिर इन पैसों को लपेट कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। डेल मार्टी को ढूंढकर उसे टॉर्चर करता है और उससे गार्सिया के गायब होने के बारे में पूछता है। मार्टी इसे कन्विंस करता है कि वो सच में नहीं जानता कि गार्सिया कहाँ है, बट उसके पास डेल के लिए एक कमाल की डील है। तो प्लान यह है कि मार्टी स्नेल्स की जमीन पर एक बड़ा सा कसिनो बनाएगा और उसी की मदद से इसका ढेर सारा पैसा सफेद करेगा और इसके बदले डेल अपनी सेटिंग्स यूज करके स्नेल्स के लिए ड्रग डीलिंग करेगा। मार्टी और डेल मिलकर स्नेल्स के घर जाते हैं और बहुत सारी अनबन के बाद डेल अपने बॉस को कॉल करके ये डील फिक्स करवा देता है। डील होने के बाद वहां से जाते जाते डेल स्नेल्स को रेड नेक कहकर पुकारता है, जो एक टाइप की इंसल्ट है। इसके बाद गुस्से में आकर डार्लिन स्नेल डेल का भेजा उड़ा देती है। सेम टाइम पर रॉय और FBI वाले भी ओजार्क में डेल को ढूंढ रहे होते हैं, बट इनके हाथ कुछ नहीं आता। जेकब मार्टी को घर भेज देता है ये बोलकर के टेंशन ना ले, तुझे कुछ नहीं होगा, हमने ऑलरेडी डेल के बॉस के साथ डील पक्की कर ली है, मतलब डेल को मारने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है। अगर उसके गैंग के लोग यहाँ आते भी हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता।
डेल हमारे घर आया, हमने डील फाइनल की और वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। सिंपल एक्सप्लेनेशन। मार्टी अपने घर के बाहर ट्रैम्पोलिन पर पड़ा कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसकी फैमिली आकर उसके गले लगती है। बर्ड्स ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज़ बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।